भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज शुरू होने वाली है। उससे पहले भारतीय हेड कोच ने इस बात को साफ कर दिया है कि इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाली 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में केएल राहुल विकेट कीपर के तौर पर नहीं दिखाई देंगे टीम में। आपको उन्होंने आगे बताया कि विकेट कीपिंग के लिए केएस भरत और ध्रुव जुरेल में लड़ाई होगी। ध्रुव जुरेल अनकैप्ड प्लेयर हैं और भरत ने पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सरजमी पर खेले गए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में कीपिंग का जिम्मा संभाला था। ऐसे में इन दोनों खिलाड़ियों में ही आपको प्लेइंग 11 में कोई एक खिलाड़ी विकेट कीपिंग करते हुए दिखाई देगा, या तो वो केएस भरत होंगे या ही वो डेब्यूटांट ध्रुव जुरेल होंगे। हालांकि हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली गई 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में राहुल ने विकेट कीपिंग का जिम्मा संभाला था। भारतीय हेड कोच ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ केएल राहुल के प्रदर्शन को लेकर भी बात की। राहुल द्रविड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, राहुल इस सीरीज में बतौर विकेट कीपर नहीं खेलेंगे और हम सिलेक्शन में ही इस बात को लेकर क्लियर थे। उन्होंने आगे कहा, हमने 2 अलग अलग विकेट कीपरों का चुनाव किया है और जाहिर तौर पर राहुल ने दक्षिण अफ्रीका में शानदार काम किया था और सीरीज ड्रॉ करवाने में बड़ी भूमिका अदा की थी, लेकिन 5 मैचों की टेस्ट सीरीज को ध्यान में रखते हुए और ऐसे हालातों में खेलने के लिए सिलेक्शन 2 विकेट कीपर्स में ही होगा। बता दें कि भारत ने 2023 के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी टेस्ट मैच खेला था। ऐसे में वो इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज से टेस्ट में वापसी कर सकते हैं। भारत ने अब तक 5 टेस्ट मैच अपने करियर में खेले हैं। खेले गए 5 टेस्ट मैचों में 18.42 की औसत से मात्र 129 रन बनाए हैं। वहीं ध्रुव जुरेल ने अभी तक भारत के लिए डेब्यू नहीं किया है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि केएस भरत और ध्रुव जुरेल में किसे टीम में मौका दिया जाता है। अब इस पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करेगा, शेयर करेगा और स्पोर्ट्स जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करेगा हमारे चैनल स्पोर्ट्स लाइव एबीपी लाइव को।